Panda, 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 panda. I got broads in the land. Sister to me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल एफ एफ बलवंत गेमिंग में। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका भाई एक और न्यू एवं इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुका है। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टॉप 3 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो कि प्रो प्लेयर यूज करते हैं, और ये न्यू अपडेट जब से आया है तो इसके बाद आप लोगों को गेम खेलने में कहीं कहीं पे प्रॉब्लम जा रहा है, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो में आप लोगों की वही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। तो यार, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। और उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट ध्यान से कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, फिर चलते हैं अपन वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। तो गाइस, हमारी पहली ट्रिक है, हमें अपडेट के बाद जो प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी पहली प्रॉब्लम ये है कि हमें देखो, अगर हम बैग से कुछ भी सामान निकालते हैं, जो भी हमारे बैग में अगर कोई भी कचरा आ जाता है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अभी हमारे बैग में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। तो हम ये निकालेंगे, तो मैंने देखो ये निकाला तो वो तुरंत से ऊपर ही पहुंच जाता है। अभी मैं देखो एक और कचरा निकाल के दिखाता हूं, तो ये देखो सबसे ऊपर पहुंच जाता है और हमें फिर से नीचे आना पड़ता है। और उससे पहले हम नीचे आते हैं, उससे पहले हमें कोई भी एनिमी आके मार के चला जाता है और हम कचरा निकालते ही रह जाते हैं। तो बैग से हमें कचरा कैसे निकालना है ये मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। तो यार, आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं और ये एरो का निशान जो दिखा रहा हूं मैं, आपको उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे, सारा का सारा कचरा हमारा ऊपर की ओर आ जाएगा और आप आराम से उस कचरे को निकाल सकते हैं। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरा कचरा जो भी है, सारा का सारा कचरा ऊपर पहुंच गया और अभी मैंने ये आराम से सारा का सारा कचरा निकाल दिया। अब आप लोगों के दिमाग में ये डाउट भी आ रहा होगा कि यार देखो, ये कचरा एक बार निकाल दिया, फिर दोबारा से भी उस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं वो भी आप लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने फिर से कचरा रख लिया है और ये देखो, मैंने कचरा निकाला तो आप फिर से वो ऊपर पहुंच जाता है। तो आपको कचरा निकालने से पहले, आपको सबसे पहले जो मैंने दिखाया है आप लोगों के लिए, ऊपर जो 3 डॉट दिख रहे हैं उस पे क्लिक करना है और आप आराम से सारा का सारा कचरा बाहर फेंक सकते हैं। तो यही था हमारा पहला ट्रिक। आप लोगों को कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ, और ये ट्रिक आपको पहले से पता था या नहीं ये भी बता देना। और अगर ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार। फिर अभी अपन चलते हैं अपनी सेकंड ट्रिक की तरफ। तो यार, ये थोड़ी सी फनी है आप लोगों को, मतलब ये ज्यादा काम की नहीं है, ऐसे ही मजे के लिए है बस। तो ये ट्रिक आप लोग देख पा रहे होंगे अभी मैं कैसा चल रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी ऐसे चल रहे हैं और अगर आपको कोई भी एनिमी वॉच कर रहा है, जैसे कि कोई भी एनिमी आपको देखता है, तो ये देख के उसे एकदम ऐसे लगता है कि भाई ये कैसे चल रहा है, ये कर कैसे रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे आपको बार बार इमोट निकालना है और उस इमोट पे क्लिक करना है, चलते चलते क्लिक करना है। तो एकदम मतलब फनी लगता है ऐसे ये बंदा जो चलता है, आपको दौड़ते दौड़ते देखो कैसे लग रहा है भाई। अभी हमें ऐसा दिख रहा है लेकिन हम इमोट दिखा रहे हैं तो हमें दिख रहा है ऐसा, लेकिन जो एनिमी हमें वॉच कर रहा है उसे ऐसा नहीं दिखता है, उसे ये इमोट के साइन नहीं दिखाई देते, उसे सिर्फ आप दिखाई देते हो। तो आपको मतलब वो सोचता है कि भाई ये ऐसे चल कैसे रहा है, ये मतलब ये इसका कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये थोड़ा फनी लगता है। तो यही था हमारा दूसरा ट्रिक। अभी हम चलते हैं अपने तीसरे ट्रिक की तरफ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अभी अपडेट के बाद आप लोगों को ये प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है कि आप जब भी कस्टम खेलते हो तो यार उसमें MP40 नहीं मिलता है आपको। तो आप जब भी कस्टम खेलो तो आपको MP40 कैसे मिलेगा, आज की वीडियो में आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आप लोग देखो, जब भी आप कस्टम बनाओ तो आपको कस्टम क्रिएट करना है, और आपको देखो अगर कस्टम बनाना नहीं आता है तो आप वो भी देख लो, आपको कस्टम क्रिएट करना है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे हमें क्लास स्क्वाड लगा लेना है, और उसके बाद आप ड्रॉप लिस्ट पे आप लोग देख पा रहे होंगे अभी ये जो क्रेजी मोड है आपको उस पे क्लिक कर देना है। पहले से जो सेलेक्ट रहता है वो आपको हटा देना और एक क्रेजी मोड पे आप सेलेक्ट कर दोगे तो आप लोग अभी देख लेना कि इसमें आपको MP40 देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने ये कर दिया सब कुछ और अभी पासवर्ड भी डाल देता हूँ। तो ये पासवर्ड भी डाल दिया, अरे भाई नहीं बन रहा, चलो फिर से बना लेते हैं। और अभी आप लोग देख लेना एकदम से मतलब हमें MP40 भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अगर खेल रहे हैं उसमें MP40 और उसके अलावा और भी कई अजीबोगरीब गने मिलती हैं, तो यार उसमें आप लोग अपने फ्रेंडों से बोल सकते हैं कि यार देखो MP यूज करना, डबल बैरल यूज करना, जो आप यूज करते हैं वो यूज करना, ये फालतू की गने बने यूज मत करना, बॉट भी मिल जाता है इसमें, बॉट लगा दो तो वो मारने लगता है, तो वो सब यूज बिल्कुल भी मत करना। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर MP40 देखने को मिल रही होगी और ये लेवल 4 का बेस्ट और हेलमेट भी मिल जाता है। तो आप लोग
ऐसे ही बनाना कस्टम और आपको MP40 उपलब्ध हो जाएगा। अब ज्यादातर बंदे MP40 ही चलाते हैं, तो यार मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी बता दिया जाए। मुझे भी पता नहीं था, ये सब मेरे फ्रेंडों ने बताया, तो मैंने सोचा यार चलो मैं अपने सब्सक्राइबरों को भी बता देता हूँ। तो ठीक है, फिर यही था आज का हमारा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट ध्यान से कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियोस आते रहते हैं, और आप सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।